हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आप लोग साथ उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। और ये वीडियो 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 67 बीपीएससी के एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग सेंटर देख ही लिए होंगे शायद, ठीक है। तो दोस्तों, अभी पहले भी बीपीएससी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा इस टॉपिक इंपॉर्टेंट वार एंड बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उम्मीद कर सकते हैं दो क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है। मिनिमम दो क्वेश्चन आप यहाँ से मान सकते हैं, यहाँ से इस टॉपिक से दो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों, यदि पसंद आएगा वीडियो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको कैपिटल करेंसी में दिक्कत हो रहा है तो यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री का डाले हैं शानदार ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो कैपिटल करेंसी यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री का गलत नहीं कीजिएगा एग्जाम, गारंटी देते हैं आपको। बाकी अभी धीरे धीरे और आने वाला है, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट आएगा, अभी जितना भी कंटिनेंट के बीच में कंट्री है। एशियन को लास्ट में करवाएंगे, एशियन का तो लगभग सबका पता ही होता है, उसको लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। तो जुड़िए जितने जल्दी हो सके तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, वार देखते हैं, बैटल ऑफ वेनी वार, ठीक है। वेनी किसके बीच में हुआ था? चोला किंग और पांड्या और चेरा किंग, ठीक है। चोला और पांड्या और चेरा किंग के साथ, ठीक है। जीता कौन था? चोला किंग जीता था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बैटल ऑफ वेनी किसके बीच में था? चोला और पांड्या के बीच में था, चोला जीत गया था, ठीक है। चलो, इस दूसरा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के पहला लड़ाई हुआ था, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला कब हुआ था? पहला से यहाँ 1191। देखिए, यहाँ पहला फर्स्ट है तो यहाँ वन है, ठीक है, देख रहे हैं, फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे। तो 1191 में हुआ था, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पहला कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था पहला ला, ठीक है। चलिए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? सेकेंड तो यहाँ याद कर सकते हैं, यहाँ से दिमाग में रिकैप कर सकते हैं, 1192 में, ठीक है। सेम हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पहला जो जीता था कौन? पृथ्वीराज चौहान, तो दूसरा मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। दिमाग में रखे, उल्टा मत कीजिएगा, पहला पृथ्वीराज चौहान जीता था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और दूसरा कौन जीता था? मोहम्मद गौरी, दिमाग में रखिएगा, 1191 1192, कन्फ्यूज उल्टा मत कीजिएगा। थर्ड बैटल ऑफ ट्रेन, ये ज़्यादा नहीं पूछता, 1215 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्या पता। 1215 ईस्वी में थर्ड बैटल ऑफ ट्रेन का था, किसके बीच? इल्तुतमिश और, देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यलदौज के द्वारा, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यलदौज के द्वारा थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, ठीक है। कौन जीता था? इल्तुतमिश जीता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता, जीता कौन था बाबर। बैटल ऑफ घाघरा 1529, डेट याद रखना है, 1529, बाबर और मोहम्मद लोदी, घाघरा किसमें थे? मोहम्मद, देखिए, बाबर और सुल्तान मोहम्मद लोदी के बीच में होता बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जीता किसने था? बाबर। चलिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एडी, इंपॉर्टेंट डेट है ये, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता, ठीक है। तो जीता कौन था? इंडेसीसी भाई, इसका मतलब अभी मतलब क्या बोलते हैं, सस्पेंस बना हुआ इसमें कौन जीता, ऐसे कुछ लोग बोलते महाराणा प्रताप जीते थे, कुछ लोग बोलते अकबर जीता था, ठीक है, इसलिए इंडेसीसी भाई, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अकबर का घोड़ा का नाम पूछता है एग्जाम में, तो क्या था अकबर का घोड़ा का नाम? चेतक। क्या था? चेतक। अकबर का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून, पूरा डेट याद रखना आपको, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुआ था, किसके बीच में? सिराजुद्दौला विथ फ्रेंच बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था बैटल ऑफ प्लासी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, कब? पूरा डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके था? मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला, साथ में था इन लोग, ठीक है। तो जीता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ गोवा 1638 1639, ठीक है, पुर्तगाल और डच के बीच में हुआ था, पुर्तगाल और डच के बीच में हुआ था, जीता कौन था? पुर्तगाल। बैटल ऑफ गोवा पुर्तगाल और डच के बीच में, गोवा जीता था 1638 1639 ईस्वी में। बैटल ऑफ वांडीवास, ये क्वेश्चन बीपीएससी में, पिछला बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, वांडीवास की लड़ाई आ चुका है,
26 जनवरी 1760 याद रखना डेट, ठीक है, किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, कौन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था, ठीक है दोस्तों। बैटल ऑफ चौसा 26 जून 1539, चौसा की लड़ाई कौन जीता था, शेरशाह सूरी, किसके साथ, किसको हराया था, हुमायूं को, ठीक है, 1539 चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डेट पूरा याद रखना आपको, 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर जीत गया था। सेकेंड बैटल 5 नवंबर 1556, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, मुगल इसमें जीत गया था, ठीक है, अकबर जो था आदिल शाह अकबर जो था वो मुगल के साइड से था तो मुगल जीता था यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच में 5 नवंबर 1556। अच्छा, थर्ड बैटल पानीपत 14 जनवरी 1761, 1526 1556 1761, ठीक है, कौन जीता था, ये जीता था अफगान, किसके साथ, मराठा को हराया था, मराठा एम्पायर को हराया था, कौन, अफगान ने हराया था, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1744 से 1748, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था कर्नाटिक वार, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेले करके, ठीक है। सेकेंड कब था, 48 से 54, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, क्वेश्चन पूछ देता है ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा किस में, तो याद रखना सेकेंड कर्नाटिक वार में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी सेकेंड कर्नाटिक वार में, ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कर्नाटिक वार में, इसे दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था 1756 से लेकर 1763 में। चलिए अब आ गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार फर्स्ट कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782, किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर, कौन जीता था, मराठा, ट्रीटी ऑफ सलवाई इसको बोलते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 1805, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। चलिए थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था इसमें। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा ने मैसूर, दिमाग ध्यान दीजिएगा, मैसूर वार, ठीक है, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ मद्रास 1767 से लेकर 1769। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 1784 के बीच में हुआ था ये, ठीक है, किसके बीच, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये कन्फ्यूज मत होइएगा, मद्रास मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और सेकेंड मतलब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कहीं से भी बन सकता है, यहाँ से बीपीएससी में 2-3 क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, आएगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, और बीएससी वो अलग के भी इंपॉर्टेंट होगा आगे, हालांकि एग्जाम 30 तारीख को है अभी, तो बीएससी के लिए फोकस ज़्यादा कीजिए, बीपीएससी के लिए। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1790 से 1792, मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड में क्या था, मैंगलोर, और फर्स्ट में क्या था, मद्रास, फर्स्ट एंग्लो मैसूर मद्रास, सेकंड मैंगलोर, और थर्ड श्रीरंगपट्टनम, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर में क्या था, 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ये मैसूर ही था, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिख में, फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 1846, बिटवीन सिख है तो सिख आएगा और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा, जीतेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीतेगा। सेकेंड एंग्लो में कौन था, सिख था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जीतेगा कौन, ब्रिटिश ही जीतेगा 1848 से 49। चलिए ये ट्रीटीज और था और वार देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन एक बार 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, 30 तारीख को। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1994 में चंदवार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है, एक आंसर लड़के लगा हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। वेन वाय द इंडो चाइना वार 1762 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, पहले बता चुके हैं इसको। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। दस राजाओं के प्रसिद्ध युद्ध दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, दस राजन वार कहाँ पर हुआ था बताइए, दस राजन वार कहाँ पर, पुष्पनी, पुरुषनी नदी, पुरुषनी के एक और नाम क्या है इसको, रावी बोलते हैं इसी को, ठीक है,
रावी रिवर, दिमाग में रखिएगा, कोई कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि रावी का पुराना नाम क्या था, पुरुषनी। तो दरसराया क्या नाम है, दस राजन, क्या नाम है, दस राजनवार, दस राजनवार रावी नदी पुरुषनी के पास। द बैटल ऑफ हैड, देखिए हैडफेस या वितस्ता का युद्ध 326 हुआ था, ठीक है, 326 BC में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध कब हुआ था, हैडफेस का युद्ध, तो याद रखना 326 BC में, कहाँ पे, वितस्ता में। वितस्ता का कौन सा नदी हुआ, ये पता है कौन सा नदी, झेलम को बोलते हैं, JHELUM। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पुराना नाम झेलम का क्या था, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता झेलम का पुराना नाम है। 326 BC इंपॉर्टेंट डेट भी है, और किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। वेन वाई द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, क्वेश्चन 1576 करवा चुके हैं ये लोग। त्रैन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान कब हुआ था, प्रथम 91 में हुआ था, कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकेंड बैटल में पानीपत 1526 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। वेन वाई द सेकेंड बैटल ऑफ त्रैन 92 में, कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था। दक्षिण भारत में तकलोम का युद्ध, बैटल ऑफ तकलोम किसके बीच में हुआ था, तो चोला और राष्ट्रकुटा के बीच में हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ, जिसमें परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना 1971 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और राजीव दौला के बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हो चुका है। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को किसने हराया था, तो शेरशाह सूरी ने हराया था, कब, 1539 ईस्वी में। थैंक यू, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो घंटी दिया उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाल नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले देखें आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग 30 तारीख के एग्जाम में तैयारी कीजिए जम के, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।